दोस्तों सभी यूट्यूबर तो बोल देते हैं कि लॉन्ग वीडियोस बनाओ, उसमें ज़्यादा अर्निंग होता है, लेकिन आपको ये नहीं बताता है कि किस कैटेगरी, आपको तो चैनल आइडिया होना चाहिए कि किस कैटेगरी में आपको काम करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक चैनल आइडिया देने, जिसमें कि अभी के टाइम में बच्चे बच्चे भी यूट्यूब पर काम कर रहे हैं और ऐसा वीडियो बनाकर यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करके अच्छा खासा अर्निंग कर रहा है। दोस्तों आप लोगों को एक चैनल दिखा देते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं एक चैनल है, प्रिनीत नाम से एक चैनल है। उसमें सब्सक्राइबर का बात करें तो 5.44 लाख सब्सक्राइबर है और 1000 वीडियो इसने अपलोड कर दिया है। दोस्तों 1000 वीडियो अपलोड करने के बाद आपको तो पता ही होगा ये कोई साधारण छोटा चैनल नहीं होगा, ये तो बड़ा ही चैनल है, क्योंकि इसने एक ही वीडियो डाल के इतना अच्छा खासा व्यूज पा रहा है। अभी के टाइम में भी इसने अच्छा खासा अर्निंग भी कर रहा है। यहाँ पर दिखा देते हैं इसके लेटेस्ट वीडियो पर जाते हैं तो 23 घंटा में 20,000 व्यू आया है और एक दिन में 50,000, दो दिन में 39,000, इस तरह से व्यू आता है। इसके पॉपुलर में जाते हैं तो आपको दिखा देना चाहेंगे कि यहाँ पर 2 साल में 5.1 करोड़, 1 साल में 1.3 करोड़, 2 साल में 1.3 करोड़। दोस्तों आप भी इस तरह का वीडियो बना करके भी यूट्यूब पर अपलोड करके आप भी अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन आपको इस वीडियो को पूरा वॉच करना है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो को बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि इस वीडियो को बच्चे बच्चे भी बना सकते हैं, ऐसा आसान। पहले भी आपको एक चैनल है तो उसे कुछ नहीं करना है, ये नहीं कि उसको उस पे जो वीडियो डाले हैं उसको डिलीट करके और ये वीडियो डालना स्टार्ट कीजिए, नहीं, उसको कुछ नहीं करना है, उसको रहने दीजिए और आप एक न्यू चैनल अभी के अभी क्रिएट कीजिए। इस पे इस चैनल पे दोस्तों कंपटीशन का बात करें तो इसमें ना के बराबर कंपटीशन है, इसलिए दोस्तों आप अभी इस वीडियो को देखने के बाद अभी आप दूसरा चैनल बनाइए, ऐसा चैनल। अभी के टाइम में दोस्तों इस चैनल पर ज़्यादा आदमी नहीं है। देखो दोस्तों, अगर आपके चैनल पर व्यूज़ क्यों नहीं आता है, क्योंकि इस कैटेगरी से बहुत आदमी ने इस चैनल पर वीडियो अपलोड करता है, क्योंकि इसमें कंपटीशन ही ज़्यादा रहता है। लेकिन इस कैटेगरी में दोस्तों अभी के बात करता हूँ तो अभी इस वीडियो में कंपटीशन तो ना के बराबर है, क्योंकि इसमें जो ज़्यादा जिस कैटेगरी में कंपटीशन होता है उसमें तो थोड़ा आप जानते ही होंगे व्यूज़ डाउन होता है। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिएगा इसी तरह से वीडियो देखने के लिए। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। तो फाइनली दोस्तों हम आ गए हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। दोस्तों आपको ऐसा वीडियो बनाने के लिए आपको पहले चले जाना है इमेज सर्च मैन। दोस्तों इमेज सर्च मैन में जाके सर्च बार पर क्लिक करके आपको सर्च करना है किड्स बैकग्राउंड। किड्स बैकग्राउंड सर्च करने के बाद आपको इसे थोड़ा स्क्रॉल करना है। तो दोस्तों मैं ये वाला बैकग्राउंड डाउनलोड कर लेता हूँ, देख सकते हैं दोस्तों ये HD में आ गया है। यहाँ पर इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं, यहाँ डाउनलोड कंप्लीटेड हो गया है। अब दोस्त अगर आप पूरा एंड तक वीडियो नहीं देखते हैं तो आप ऐसा वीडियो नहीं बना पाएंगे, इसलिए दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा एंड तक ज़रूर वीडियो देखना। दूसरा स्टेप आता है दोस्तों आपको ब्लैक बोर्ड डाउनलोड करने का। तो चलिए दोस्तों हम स्टैंड ब्लैक बोर्ड सर्च करते हैं। दोस्तों स्टैंड ब्लैक बोर्ड सर्च करने के बाद देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर बहुत सारा बोर्ड आ गया है, तो आपको इसे छोड़ देना है। आपको यहाँ एक नंबर में जो दिखाई दे रहा होगा इसे सेलेक्ट करके आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। चलिए दोस्तों हम डाउनलोड कर लेते हैं, ये भी डाउनलोड कम्प्लीटेड हो गया यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। तो चलिए इसे हम बैक आ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम एप्पल फोटो का डाउनलोड कर ले, यहाँ पर लिखेंगे एप्पल फोटो। एप्पल फ़ोटो लिखने के बाद आपको सर्च कर देना है, यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा यहाँ पर एप्पल का फ़ोटो आ गया है। दोस्तों आपको एक कोई सा भी एप्पल का फ़ोटो डाउनलोड कर ले, चलिए मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पर जाएंगे डाउनलोड कंप्लीटेड। तो चलिए दोस्तों हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद दोस्तों आपका चौथा स्टेप होता है बैकग्राउंड रिमूव का। तो चलिए दोस्तों हम अब आपको बैकग्राउंड रिमूव करेंगे, एप्पल का जो फ़ोटो लिए हैं एप्पल का जो लिए हैं, फिर आपको A4 एप्पल B4 बॉल, अब जो है बॉल का भी बैकग्राउंड लेंगे। बॉल लिख के सर्च करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत सारा बॉल मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेता हूँ। फुल HD में आ गया दोस्तों, यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे। इसे डाउनलोड करने के बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। बैकग्राउंड रिमूव लिख के आएगा तो आपको यहाँ पर पहला वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। पहला वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ इमेज अपलोड का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर अपलोड इमेज पर क्लिक कर देना है। आपको अपना
पहले तो आप बैकग्राउंड इसका ब्लैक बोर्ड का सिलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि बैकग्राउंड इसका रिमूव हो जाए, ताकि वहाँ पर सेट करने में अच्छा हो। तो चलिए इसे हम अब डाउनलोड कर लेते हैं। एक का बैकग्राउंड रिमूव हो गया, अपलोड इमेज पर फिर क्लिक करेंगे और आपको सेव का बैकग्राउंड रिमूव करना है, यहाँ पर डन कर देंगे। फिर देख सकते हैं सेव का भी बैकग्राउंड रिमूव हो गया। फिर डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ये भी डाउनलोड हो जाए। इसे थोड़ा नीचे करेंगे और फिर अपलोड इमेज पर जाएंगे और आपको बाउल का फ़ोटो जो है उसे भी बैकग्राउंड रिमूव कर लेंगे। दोस्तों आपको ए से जेड तक आपको जितना भी इमेज हो सके आपको इसी तरह से करना है। मैंने तो आपको एडिटिंग सिखाने के लिए आपको मैं एडिटिंग सिखाने के आमतौर पर मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप तो उतना सारा तो बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आपको समझाने के तौर पर इसे मैं इसे बनाते हैं। चलिए इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं। आपको दो फोल्डर सिखा देंगे, फिर आप चाहे जितना भी मन हो सके आपको उतना भी बना लीजिएगा। तो चलिए फिर हम तीनों का बैकग्राउंड रिमूव कर लिए हैं और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोड भी हो चुका है। तो चलिए हम चलते हैं अपने काइनमास्टर एप्लीकेशन। ओपन होने के बाद आपको ओके का जो निशान दिखाई दे रहा है ओके के निशान पर क्लिक करना है और योर न्यू प्रोडक्ट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। न्यू प्रोडक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर रेशियो सेलेक्ट करने को बोलता है, 16:9 का रेशियो को सिलेक्ट करके करेक्ट पर क्लिक कर देना है। करेक्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको यहाँ पर जो यहाँ पिक्सटेस का आपने जो इमेज जो डाउनलोड किए हैं इमेज सर्चमेंट से और यहाँ पर आपको वो फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है बैकग्राउंड वाला। तो चलिए हम फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों मैंने जो पहले से बैकग्राउंड डाउनलोड करके रखा था उसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ कट का निशान जो है कट के निशान पर टिक लगा देंगे, फिर आपको इस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर पैन एस जूम का ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। आपको फिर यहाँ बराबर का जो निशान है इस पर क्लिक कर देना है और आपको डिस्प्ले पर दोनों ओर उंगली रख के इसे आपको जूम कर लेना है। दोस्तों इसे जूम करने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा टिक लगा के बाहर आ जाना है, फिर आप चाहे जितना भी बड़ा हो सके इसको इतना ही खींच लेना है। चलिए हम इसे फटाफट खींच लेते हैं। इतना बढ़ाने के बाद दोस्तों आपको जितना भी वीडियो 8 मिनट 10 मिनट या 2 मिनट का जितना भी हो सके आप उतना बढ़ा लीजिएगा। तो चलिए हम बैक आ गए हैं, फिर हम शुरू पोजीशन में जाएंगे। शुरू पोजीशन में आने के बाद आप ब्लैक बोर्ड डाउनलोड किए हैं उसे आपको यहां पर फिर लगा देना। चलिए हम जाते हैं लेयर में। लेयर पर जाने के बाद मीडिया में जाएंगे। मीडिया में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर डाउनलोड का जो ऑप्शन है डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ब्लैक बोर्ड यहाँ पर आ गया है, तो आपको यहाँ पर अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों फाइनली हम इसे एडजस्ट कर दिए हैं। आपको फिर इसे जितना बड़ा वीडियो है आपका उतना बड़ा आपको इसे वहाँ तक खींच लेना है। चलिए हम फटाफट खींच लेते हैं इसे। दोस्तों पूरा खींचने के बाद आपको शुरू पोजीशन में चले जाना है। शुरू पोजीशन में आने के बाद आपको थोड़ा यहाँ पर क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है एप्पल को। लेयर में चले जाना है। लेयर में जाने के बाद आपको यहाँ पर टेक्स्ट का ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है इस टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर ए लिख देना है। ए लिखने के बाद सिंपली आपको यहां पर ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर देख सकते हैं ए का ऑप्शन जो है वहां आ गया है। इसे और भी अच्छा बनाने के लिए दोस्तों यहां पर फाउंड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फाउंड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो रोबोट ब्लैक लेंस का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देंगे और टिक का निशान जो है इस पर हम क्लिक कर देंगे। चलिए इसे थोड़ा हम स्क्रॉल करते हैं। आपका इसको कलर चेंज करना है तो कलर के ऑप्शन पे जाएंगे, फिर इसे हम रेड रखना है रेड कलर, तो रेड पर क्लिक करके इसे टिक कर देंगे। दोस्तों देख सकते हैं ये मेरा तैयार हो गया है। यहाँ पर ए सेलेक्ट कर लेना है। ए सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर बैक आ जाना है। बैक आने के बाद चलिए इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसे सेलेक्ट करने के बाद आपको जितना भी वॉइस होगा उतना बड़ा करना है, ये नहीं कि आपको पूरा वीडियो तक ही कर लेना है इसे। तो चलिए मैं इतना कर देता हूँ। इतना करने के बाद दोस्तों आपको शुरू पोजीशन में आ जाना है। फिर दोस्तों आपको लेयर में जाना है। लेयर पर जाने के बाद फिर टेक्स्ट का ऑप्शन जो है टेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ लिखना है एप्पल। एप्पल लिखने के बाद दोस्तों आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इसे थोड़ा बड़ा कर लेना है। इसे बड़ा करने के बाद आपको यहाँ पर जो है कोनों में एक साइज में अपने साइड में उसे लगा देना है। फिर आपको कलर में जाना है। कलर में आने के बाद दोस्तों आपको एक ऐसा कलर लेना है, ये वाला ब्लू कलर, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। ब्लू पर क्लिक करने के बाद अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। फिर आपको बैक आ जाना है। आपको तो पता होगा इसे भी
इसे भी उसके हिसाब से इसे भी बड़ा कर लीजिएगा। चलिए हम शुरू पोजीशन में जाते हैं। यहाँ पर टिक का निशान जो है, आपको यहाँ पर एप्पल का जो फ़ोटो होता है उसे एप्पल को फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। चलिए दोस्तों हम एप्पल का फ़ोटो को यहाँ पर डाउनलोड किए हैं तो एप्पल का फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं और आपको यहाँ पर सिंपली अपने हिसाब से एडजस्ट करके लगा देना है। लगाने के बाद दोस्तों आपको इसे भी उतना बड़ा कर लेना है जितना भी आपको टेक्स्ट किए हैं। चलिए इसे हम इतना बड़ा कर लेते हैं। इतना बड़ा करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई देता होगा पर एप्पल जो है थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपको यहाँ पर फिर इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ओवरले एनिमेशन पे जाना है, फिर आपको पूरा स्क्रॉल करके नीचे आना, यहाँ पर जो रिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है रिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो चलिए दोस्तों हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और आपको इसे चला के दिखा देते हैं कि कैसा लग रहा है आपको, फिर आपको वॉइस ओवर कैसे करना वो भी बताने वाले हैं। इस पर चला के दिखा देते हैं दोस्तों, ये एनिमेशन तो चलने वाला हुआ। अब आपको बड़ा एनिमेशन फिर लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है। इसे थोड़ा एट्रैक्टिव लगने के लिए आपको फिर से एक सेव का जो फ़ोटो है उसे सेलेक्ट करके यहाँ पर सिंपली इस फ़ोटो को लगा लीजिएगा और यहाँ पर जो इन एनिमेशन का ऑप्शन है इन एनिमेशन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फेड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फेड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद बैक आ जा फेड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको इसे जितना बड़ा आप टेक्स्ट किए हैं उतना बड़ा आपको इसको कर देना है। फिर शुरू पर आप देख सकते हैं कैसा लगा वीडियो। अब आपको चला के दिखा देते हैं दोस्तों, देखने में कितना अजब गजब लग रहा है। चलिए दोस्तों आपको अब हम वॉइस ओवर करने के लिए सिखा देते हैं कि कैसे आपको वॉइस ओवर करना है। चलिए दोस्तों अब इसे हम रिकॉर्ड कर तो इस तरह से आपको वॉइस ओवर कर लेना है। तो चलिए हम आपको सुना देते हैं। चलिए हम बैक आ जाते हैं, शुरू पोजीशन में जाने के बाद आपको इसे सुना देते हैं। ए फॉर एप्पल, थोड़ा आवाज़ कम है। चलिए इसे अब हम आपको सुना देते हैं। ए फॉर एप्पल, फिर इतना बोलने के बाद दूसरा आवाज़ जो है आपको यहाँ पर कटिंग लगा देना है। तो चलिए इसे हम वीडियो पे सिलेक्ट करेंगे और इसे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ ट्रम सेफ्ट का ऑप्शन जो है इस पर क्लिक करेंगे, स्लिप का ऑप्शन जो है इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको ये जो है इसमें दोस्तों आपको इसमें इक्को नहीं आ रहा है। इक्को लाने के लिए आपको दोस्तों रिवर्ब का ऑप्शन पर जाएंगे और इसको थोड़ा आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं हिल डेली कॉन्ट्राइट हिल का ऑप्शन जो है इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों कैसा आवाज़ लगा इसे हमको कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए इसे हम बैक आ जाते हैं, फिर इस पे दूसरा पे क्लिक कर बच्चा का आवाज़ लाने के लिए दोस्तों वॉइस चेंजर के ऑप्शन पे जाएंगे और इसे आपको थोड़ा स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे किड्स का ऑप्शन जो है किड्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। ए फॉर एप्पल, दोस्तों इसमें इक्को नहीं आ रहा है, इसमें भी इक्को सेट करना है। रिवर के ऑप्शन पे जाना है, हिल का ऑप्शन जो है ए फॉर एप्पल, कितना अमेजिंग लग रहा है। फिर इसे कट कर देंगे इस जगह से। आपको इसी के हिसाब से आपको ये भी जितना हो सके आपको यहाँ पर जाना है ट्रिम सेफ्ट, आपको सभी को इसी साइड से आपको कट लगा देना है। तो चलिए दोस्तों इसे हम फटाफट कट लगा देते हैं। इसे कट लगाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर फिर बी फिर लेयर में जाएंगे, मीडिया में सॉरी लेयर में जाएंगे, फिर टेक्स्ट का ऑप्शन जो है टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर बी लिख देंगे। बी लिखने के बाद दोस्तों आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों आपको इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेना है। इसे बड़ा करने के बाद आपको फिर कलर पे जाना है, रेड कलर लेना है और सही के निशान पे क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों इतना करने के बाद आपको फिर यहाँ पर जो है बैक ले लेना है। अब आपको फिर दोस्तों लेयर पर जाएंगे, फिर टेक्स्ट का ऑप्शन जो है टेक्स्ट के ऑप्शन पर जाएंगे, बिफोर बॉल जो होता है दोस्तों बी ए डबल एल जो है बॉल में गेंद होता है। तो चलिए बॉल इसे हम सेलेक्ट कर लिए हैं। अब आपको इमेज ही सेलेक्ट करना है, फिर लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे। मीडिया में जाने के बाद दोस्तों आपको यहां पर डाउनलोड का ऑप्शन जो है इस पर क्लिक करेंगे, फिर यहां पर देख सकते हैं जो आपने बॉल का जो फ़ोटो डाउनलोड करके रखे हैं इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसे आपको छोटा करके यहां पर लगा देना है। यहां पर लगाने के बाद दोस्तों ओवरले एनिमेशन में जाना है। ओवरले एनिमेशन में जाने के आपको पूरा स्क्रॉल करने के बाद रिंगिंग का ऑप्शन जो है इस पर क्लिक कर देना है ताकि ये जो है कुछ ऐसा दिखे गिरने लायक। तो चलिए इसे हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद फिर दोस्तों आपको इसी को
सेलेक्ट करना। लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे, मीडिया में आने के बाद दोस्तों आपने जो डाउनलोड किया उसे डाउनलोड कर ले लेंगे। तो चलिए इसे हम छोटा कर लेंगे ताकि ये अमानत दिखे। तो चलिए फिर ऑल इन एनिमेशन में जाएंगे, फिर यहाँ पर जो है फेडी पे ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको फिर बैक आ जाना है, फिर देख सकते हैं यहाँ पर। इतना करने के बाद दोस्तों आपको बात आता है वॉइस ओवर का, तो चलिए फिर भी हम वॉइस ओवर करके दिखा दें। इसी तरह से दोस्तों आप लोगों को सही तरह से पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएं। आपने ऐसा चैनल नहीं बनाया है तो दोस्तों अभी जाइए, अभी भी ऐसा चैनल बनाइए। कंपटीशन इसमें ना के बराबर है दोस्तों। अभी आप लोगों को इस चैनल का अर्निंग भी दिखाने वाला हूँ कि इस चैनल से कितना अर्निंग होता है ऐसा वीडियो से, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट मिलेगा। चलिए दोस्तों अभी से हम वॉइस रिकॉर्ड कर लेते हैं। दोस्तों दो बार बोल के आपको यहाँ पर वॉइस ओवर कर लेना है। ओवर करने के बाद दोस्तों आपको जितना भी वॉइस ओवर हुआ है उसके हिसाब से आपको सभी फ़ोटो आपको उसी के हिसाब से। चलिए दोस्तों इतना करने के बाद आपको यहाँ पर इको का इस पर क्लिक करेंगे, फिर आपको यहाँ पर जो है रिवर्स का ऑप्शन, रिवर्स पर क्लिक करेंगे, थोड़ा इसको स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट हिल पे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इको आ रहा है, फिर इसको क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कट लगा देना है, इसको स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर जो है कट का ऑप्शन, कट के ऑप्शन पे क्लिक करके इसे आपको यहाँ पर लाना है और आपको यहाँ पर जो है बच्चा का आवाज़ फिर फिट कर देना है। चलिए दोस्तों इसे हम स्क्रॉल कर देते हैं। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ किड्स का ऑप्शन जो है, किड्स के ऑप्शन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर बैक आ जाना है। दोस्तों आपको ज़्यादा उतना दूर जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दोस्तों आप जितना भी हो सके उतना बड़ा भी वीडियो, और इसका तो ज़्यादा वीडियो बड़ा होता ही नहीं है, तो दोस्तों आप लोगों को जितना हो सके उतना कर लीजिएगा उतना। चलिए इस आपको अंतिम में दोस्तों जो है शुरू पार्ट को, बैकग्राउंड को इसे यहाँ पर कट कर लेना है। फिर शुरू पोजिशन जाने के बाद आपको पहले हम सुना देते हैं इसको। ए फोर एप्पल, ए फोर एप्पल, बी फोर बॉल, दोस्तों आपने तो सुना कैसा वीडियो बना, तो आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों अब आप लोगों को यहां पर जो है शेयर का ऑप्शन इस पर क्लिक कर देंगे, आपको यहां पर जो है HD में हो जैसा हो आप, मैं HD में 1080p में सेलेक्ट करके रखा हूं, तो इसे आपको सेव कर लेना है। ये एक्सपोर्ट हो गया है, तो चलिए दोस्तों हम बैक आ जाते हैं, आपको उस चैनल का अर्निंग दिखा देंगे कि कितना मंथली अर्निंग होता है। चलिए दोस्तों हम पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ऑन कर नाम इसे सर्च करने के बाद दोस्तों यहां पर देख सकते हैं उस चैनल का अर्निंग देख सकते हैं दोस्तों, अर्निंग दोस्तों देख सकते हैं कितना मंथली $1200 कमा रहा है, देख सकते हैं दोस्तों। आप भी ऐसा वीडियो बना जल्द जाइए और ऐसा चैनल बनाइए अभी के अभी। हाँ देख सकते हैं मंथली $1200 हो रहा है और एक साल में $19,000, वो देख सकते हैं इतना ज़्यादा अर्निंग कर रहा है। $1200 को आप लोगों को पता ही होगा $1200 कितना रुपया होता है। तो चलिए दोस्तों अभी इसी जगह वीडियो को एंड करते हैं, आपको अर्निंग भी दिखा दिए हैं कितना अर्निंग हो रहा है। आई हो दोस्तों आप लोगों को वीडियो अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ हो तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।